जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, क्योंकि 2024 में तुम्हारी औकात से बाहर मिलेंगे। मैं लड़की पटाने के लिए जिम में नहीं आता ब्रो, मैं जिम में इसलिए आता हूँ ताकि मरते वक्त मैं अफसोस ना करूं कि मेरी बॉडी जो शेप डिजर्व करती थी मैं साला उसे दे नहीं पाया। हम बुरे लोगों में आते हैं क्योंकि अकड़ नहीं सहते। एक तो दिमाग खराब रहता है, ऊपर से दबके नहीं रहते। हम जिम वाले हैं मेरे दोस्त, हमारा बराबरी करना तो छोड़ दो, क्योंकि हमारा जो दिन का जो खर्चा है ना वो तुम पूरा महीने आराम से बैठ के टिकट लेनी है, लाइन में खड़े हो तुम, और तुम्हारी हाइट है 6 फीट और वेट है 250 kg। कहते हैं जिंदगी एक मौका सबको देती है और मुझे इंतजार अपनी बारी का है। जो लोग कहते हैं कि लड़कियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, बेहतर मिलने पर तुम्हें छोड़ देंगे, तो बेहतर बनो ना बोसडी के। स्टेटस का मतलब होता है औकात, तो लगाओ मत बनाओ, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी औकात बन गई उस दिन लोग तुम्हारा स्टेटस लगाएंगे। तुम बोलो सिस्टम है भाई, हम तो एक ही चीज बोलेंगे, राम राम मेरे भाई। इग्नोर तो बच्चे करते हैं, हम तो सीधा भूल जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी को अच्छा नहीं लगता। वक्त को वक्त दे रहा हूँ ताकि खुद का वक्त बदल सकूं। पानी अगर शांत हो तो गहराई से मजाक नहीं करते। और पर्सनैलिटी ऐसी रखो कि लड़कियां देखकर खुद बोलें कि लड़का हमारी औकात से बाहर है। अगर बादशाहों वाली जिंदगी जीनी है तो मेरे दोस्त गुलामों वाली मेहनत भी करनी पड़ेगी। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए, नसीब बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलेगा। इतना बदलना है खुद को कि लोग तरस जाएं पहले जैसे देखने के लिए। के फिर से देखेगा जमाना हमें, हम फिर से अपनी मौज में आ रहे हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं ना मैं शहंशाह। ये बात सिर्फ लड़कियों के लिए, प्यार वार मत किया करो जब निभाने की औकात ना हो। कुछ लोग कहते हैं भाग्य बहुत बड़ी चीज होती है, होती होगी, हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम भाग्य को मान ही नहीं सकते। अगर हमने भाग्य मान लिया तो हमारे जीवन से एक चीज खत्म हो जाएगी, वह है संघर्ष। और अगर वो खत्म हुई तो हम गए। घमंडी नहीं थोड़ा जिद्दी हूं, जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। बहाने बनाने वाली जनरेशन में साथ देने वाली ढूंढ रहा हूं, मेकअप करके फिल्टर लगा के लौंडो को रिझाने वाली जनरेशन में सादगी को श्रृंगार समझने वाली ढूंढ रहा हूं। मैं आज के मॉडर्न जमाने में उस पुरानी ख्यालात वाली लड़की को ढूंढ रहा हूं जो एक वक्त में सिर्फ एक लड़के से प्यार करती है। देर से ही सही मेरे दोस्त, लेकिन बॉडी बिल्डर बनेंगे जरूर। तुझे कोई पसंद आ गई है क्या? नाम बता। गरीब लोग हैं हम, हमारा इतना नसीब कहाँ कि कोई हमें पसंद करे। दिल हार गया, नहीं सोचा मिल गए कभी होंगे जुदा। ना ना ना, अकड़ नहीं डार्लिंग, इसी अकड़ के चक्कर में तो आज भी हमारे आधे खानदान से बोलचाल बंद है।
में जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। पिछले साल ये डर था कि कहीं तुझे खो ना दूं, और इस साल ये दुआ है कि तुझसे सामना भी ना हो। सुनो, सच बताना, सभी को खुश रखने की कोशिश में आज खुद परेशान होना, झूठ मत बोलना। इसीलिए कहा जाता है जीवन में किसी के ऊपर 100% भरोसा मत कीजिए, क्योंकि अपना ही दांत कभी कभी जीभ को काट देता है। नफरत नहीं है तुझसे और तुझसे गुस्सा भी नहीं हूँ, तू जी ले अपनी जिंदगी खुशी से, अब मैं तेरी जिंदगी का हिस्सा भी नहीं हूँ। और हम सिंगल लड़कों का भी एक अलग ही एटीट्यूड है मेरी जान, हम अपने माँ बाप के अलावा किसी के बाप की नहीं सुनते। गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मुकाम से, गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मुकाम से, नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम। जहाँ दिल नहीं मिलता वहाँ हाथ भी नहीं मिलाते, तेरे जैसों के हम हाथ भी नहीं लगाते, हम घमंड में नहीं रहते, हाँ गुरूर करते हैं, इश्क हो या जंग हो भरपूर करते हैं। प्यार करूंगा तो धोखा मिलेगा, दोस्ती करूंगा तो गद्दारी, अब हमें अकेले जीने का शौक है, भाड़ में गई दुनिया सारी, खत्म। दुनिया में सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना, क्योंकि तुम हो ही नहीं। और हम किसी की बराबरी नहीं करते मेरी जान, कसम से जैसे भी हैं लाजवाब हैं। ये हुई ना बात। विश्वास है खुद पर कि एक दिन ऐसा चमकेंगे कि सितारे भी फीके पड़ जाएंगे। अगर सपने पूरे करने हो तो मेहनत करो, इसके सिवा कुछ नहीं कहता मैं। और क्या कहते हैं उसे, किस्मत, हाँ उसके भरोसे नहीं रहता मैं। कहते हैं कि मोहब्बत और मौत दोनों की पसंद भी अजीब है, एक को दिल चाहिए और एक को धड़कन। जो इज्जत देगा उसे इज्जत मिलेगी, हम हैसियत देखकर सर झुकाने वालों में से नहीं। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है, बाय।